बाय थ्री पार्ट हमें और ऐड करना है तो टू फुल पार्ट्स तो जीरो से टू तक है हम पॉजिटिव साइड पे देखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है ठीक है नेक्स्ट वे हैव टू टेक वन थर्ड पार्ट आफ्टर टू तो अब टू से थ्री के बीच में लाइ करेगा ये डिनोमिनेटर में थ्री है सो वील डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स राइट एंड वी नीड वन थर्ड पार्ट आउट ऑफ दि थ्री पार्ट्स तो ये वन बाई थ्री है राइट right? तो so ये हो जाएगा जीरो से टू तक टू प्लस वन बाय थर्ड पार्ट सो दिस इज सेवन बाई थ्री ये कैसे आया टू प्लस वन बाय थ्री जब आप इसे ऐड करोगे टेक द एल सी एम दिस कम्स आउट टू बी सेवन बाय थ्री एंड दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू पार्ट्स प्लस वन बाय थर्ड पार्ट एंड वी गेट वॉट वी वॉन्ट टू शो दैट इज सेवन बाय थ्री ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड रैशनल नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म अब हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होते हैं ठीक है अ रैशनल नंबर इज सेट टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर डिनोमिनेटर शुड बी अ पॉजिटिव नंबर एंड द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर मतलब वो अपने लोएस्ट फॉर्म में है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ठीक है जैसे अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ थ्री बाई माइनस सिक्स क्या ये रैशनल नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी एक पॉजिटिव नंबर नहीं है और इसमें थ्री इज इस कॉमन तो पहले हम इसको इसके लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं थ्री वन जो थ्री एंड थ्री टू जो सिक्स और यहाँ पे एक नेगेटिव